ये है वक्त मीडिया, हिंदुस्तान की इल्मी अदबी और फिल्मी सरजमी आजमगढ़ के कोरा गैनी में 28 अप्रैल 2018 को हेमवती नंदन बहुगुणा एजुकेशनल सोसाइटी ने मुल्क के मायानाज मुजाहिदे आजादी साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के सदसाला जश्न यौमे पैदाइश के ताल्लुक से अपने 12वें अजीमुशान मुशायरे और कवि सम्मेलन का इनकात किया। इस मुशायरे की सरपरस्त रही उत्तर प्रदेश हुकूमत की कैबिनेट मिनिस्टर और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी मोहतरमा डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी साहिबा, मुशायरे के सदर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब जेड के फैजान साहब, मुशायरे का इफ्तिताह किया जनाब कृपा कर सिंह साहब ने जो एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैं, मेहमान खुसूसी रहे फिल्म डायरेक्टर जनाब मुजफ्फर अली साहब, मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान और समाज सेवी जनाब साजिद खान आजमी, अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा कमेटी आजमगढ़ जिन्हें अपना बेटा समान मानती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर मोहतरमा डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी साहिबा। दोस्तों, हमारी जो अजीम शख्सियात यहां मौजूद हैं उनकी खिदमत में कुछ एजाजात पेश किए जा रहे हैं। मैं साजिद खान आजमी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो मोहतरम मुजफ्फर अली साहब को अवार्ड पेश करें जो आप सबकी तरफ से उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। उनकी आमद के इस्तकबाल में, उनकी शख्सियत के एतराफ़ में मोहतरम मुजफ्फर अली साहब की खिदमत में यह एजाज आप सब की तरफ से एक तोहफा पेश किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूं साजिद खान आजमी साहब से कि तशरीफ लाएं और ये तोहफा उनकी खिदमत में पेश करें। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रीता बहुना जोशी साहिबा से, कैबिनेट मिनिस्टर के अपने दस्ते मुबारक से ये एक मोमेंटो, एक यादगार मोहतरम मुजफ्फर अली साहब की खिदमत में पेश की जा रही है और ये आप सब की तरफ से एक नजराना खुलूस है एक अजीम शख्सियत के लिए कि जिसने उमराओ जान अदा जैसी बड़ी फिल्म बनाई, जिसने तसव्वुफ के हवाले से बहुत सा काम किया, जो बहुत ही दानिश्वराना असास अपनी शख्सियत के अंदर रखते हैं। ये एजाज उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। शॉल भी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। और अब मोहतरम कृपा शंकर सिंह साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। मैं एक बार फिर डॉक्टर रीता बहुगुणा साहिबा से गुजारिश करूंगा कि मोहतरम कृपा शंकर सिंह साहब की खिदमत में ये नजराना पेश करें। और अब मुशायरे के सदर जेड के फैजान साहब का एजाज किया जाएगा, उनका ऑनर पेश किया जा रहा है। जेड के फैजान साहब, आप ही की सरजमीन से उनका ताल्लुक है लेकिन आपकी सरजमीन का ये फर्जंद न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा बल्कि सियासी और समाजी हवालों से भी अपनी खास पहचान रखता है। मोहतरम जेड के फैजान साहब को ये मोमेंटो, ये अवार्ड तमाम बड़े लोगों की मौजूदगी में पेश किया जा रहा है। मोहतरम कुंवर जावेद साहब का भी इस्तकबाल किया जा रहा है, ये मोमेंटो और अवार्ड उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मोहतरम कुंवर जावेद साहब जो बैन अल-अक़वामी शोहरतों के मालिक हैं और अपनी शायरी के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचे हैं, बहुत बरस के बाद वो यहाँ आजमगढ़ की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। मोहतरम कुंवर जावेद साहब का एजाज हो रहा है। मोहतरम मुजफ्फर अली साहब, डॉक्टर रीता बहुना जोशी साहिबा के हाथों Thank you.
ایک اور عظیم شاعر آپ سب کے محبوب شاعر جناب جوہر کانپوری صاحب کو بھی یہاں پر یہ اوارڈ دیا جا رہا ہے. میں جناب جوہر کانپوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آگے تشریف لائیں اور تمام مہمانوں کے ہاتھوں یہ مومنٹو قبول فرمائیں. جناب جوہر کانپوری. یہ جو اعزاز پیش کیے جا رہے ہیں یہ صرف مشاعرہ کمیٹی کی طرف سے نہیں ہے, یہ کورا گہنی کی طرف سے ہیں, پورے اعظم گڑھ کی طرف سے ہیں, اس پورے خطے کی طرف سے یہ اعزاز یہاں پر کیے جا رہے ہیں. ہمیں آپ سب کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیجیے دوستو, اگر آپ بھی اپنے مشاعرے, کبھی سمیلن, دینی جلسے یا کسی کانفرنس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے. جی ہاں, ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286. ایس ایم ایس کیجئے, واٹس اپ کیجئے یا کال کیجئے. جی ہاں, یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوائن کریں, لکھیے یوٹیوب پہ سرچ میں WAQT وقت MEDI میڈیا یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا لکھ کر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجئے.